आज है दोस्तों 25 जुलाई और यहाँ पर केरला में बारिश का बिल्कुल मौसम है। केरला में दोस्तों मॉनसून जून से स्टार्ट हो गया था, मतलब जून से बारिश होना स्टार्ट हो गई थी और जैसे कि आज जुलाई 25 है और बारिश हो रहा है। और ये है बालकनी का व्यू मेरा, जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल हरियाली हरियाली है चारों तरफ। सामने जो दोस्तों पेड़ देख रहे हैं वो है टीक का पेड़, बहुत ही मजबूत पेड़ होता है, उसमें फूल भी आ चुके हैं। तो दोस्तों बात करते हैं व्हाट इज लग्जरी। सबके लिए लग्जरी का मतलब अलग हो सकता है। ब्रांड से भी हटकर लग्जरी बहुत सारी चीजों में हो सकती है। सोचो कि लग्जरी इन द कंटेस्ट ऑफ होटल इंडस्ट्री। सोचो कि आप एक डिस्टेंट वेकेशन में गए हो जहाँ पर कि सिर्फ आपने पूरा रिजॉर्ट को बुक कर लिया है। सोचो लग्जरी जब आप स्विट्जरलैंड में जाकर स्पा में अपना मेकओवर करवाते हो। सोचो कि आप एक बड़े से रेस्टोरेंट में जाते हो जो कि फोकस करती है एक ही क्यूजीन को। या फिर आप शॉपिंग करते हो लुई विटॉन में, शूज़ खरीदते हो या फिर बैग खरीदते हो। दोस्तों बहुत सारी कैटेगरीज होती है जिसमें कि हम लग्जरी को डिफाइन कर सकते हैं। बस इतने में ही हमें नहीं सोचना चाहिए कि हम मॉल में जाते हैं और हम कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स को देखते हैं और सोचते हैं कि वही एक लग्जरी है। लग्जरी दोस्तों बहुत सारी चीज़ों में होता है। तो लग्जरी दोस्तों इस तरीके से हमें समझना चाहिए, तब भी हम देखते हैं दोस्तों बहुत सारे ब्रांड्स हैं वो लग्जरी में नहीं गिने जाते। तो उसका कारण क्या होता है दोस्तों? लग्जरी एक वे ऑफ लाइफ होती है, एक हटकर दुनिया होती है जहाँ पर दोस्तों ऑर्डिनरी इज़ नॉट एनफ, एक्सक्लूसिविटी होनी चाहिए दोस्तों। वहाँ पर दोस्तों पैसों से ज़्यादा एक्सपीरियंस को ज़्यादा वैल्यू किया जाता है। वहाँ पर दोस्तों कंज्यूमर और ब्रांड्स में एक अच्छा खासा रिलेशनशिप होता है। आपने दोस्तों सुना भी होगा, बहुत सारे बोलते हैं कि लुई विटॉन का सामान मैं लाया हूँ, गुची का ये चीज़ है। तो दोस्तों वहाँ पर वो ब्रांड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं किसी भी प्रोडक्ट से। तो एक ब्रांड की जो वैल्यू बनती है वो बिल्कुल हटकर होती है।